और डीजल के तत्वावधान में मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2018 का ऑडिशन रामगंगा विहार स्थित आरएसडी एकेडमी में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 25 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। बुधवार को डीजल के तत्वावधान में मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2018 का ऑडिशन रामगंगा विहार स्थित आरएसडी एकेडमी में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 25 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। ऑडिशन 3 राउंड में संपन्न हुआ। पहले राउंड में रैंप, दूसरे में टैलेंट, तीसरे में प्रश्नोत्तरी हुई। निर्णायक मंडल में पूर्व मिसेस इंडिया इंटरनेशनल निधि गुप्ता टीवी सीरियल में बतौर अभिनेत्री नीतू किशोर, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल की रनर अप स्वाति अरोड़ा, आरएसडी की प्रचारक डॉक्टर जी कुमार मौजूद रही। वहीं निधि गुप्ता ने बताया कि इस ऑडिशन से जिन प्रतिभागियों का सिलेक्शन होगा, उन्हें दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर के ऑडिशन में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। हम मिस एंड मिसेस नॉर्थ इंडिया के लिए ऑडिशंस करा रहे हैं और काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, काफ़ी लड़कियाँ लेडीज आए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने, एंड वी आर होपिंग कि मुरादाबाद से बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स आगे जाएं। इनका फिनाले दिल्ली में होगा 27 जनवरी के लिए, और आज हम इन कंटेस्टेंट्स में से कुछ बेस्ट कंटेस्टेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और जिनको हम आगे भेजेंगे। कितने लोगों ने ये प्रतिभाग किया? लगभग 25 से 30 लेडीज हैं, और देखिए आज ठंड बहुत है तो थोड़ा देर से निकल रही है सभी लेडीज, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज इसमें आएंगी। इस पेजेंट की सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये हाउसवाइफ्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल मॉडल्स की ज़रूरत है, बिल्कुल आप घरेलू भी हैं तभी भी अगर आप स्मार्टली अपने आप को कैरी करते हैं तभी भी आप यहाँ के ऑडिशंस दे सकते हैं। और मैं तो सभी लेडीज से कहूंगी कि जब भी ऐसा मौका मिला करे तो उसे बिल्कुल ना छोड़े, जरूर घर से निकल के।